इनका पति इनसे कहता है क्या कहता है बस गुलाब जामुन गरम आना तुम ठंडी आना आपके पति से मिलना पड़ेगा हाँ तो पारतोष जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार. बहुत अपने आसपास के नहीं आस पड़ोस के जो लौंडे होते हैं है ना, पता नहीं होता है वो वैसा लगता है सेक्सुअलिटी है ना, पता नहीं होती कि क्या होता है. एक्सप्लोर करता है आसपास के लोग हैं उसके, दुनिया आसपास की दुनिया है, उनसे इंटरेक्ट करता है. तो चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल जो है उसका, वो थोड़ा सा लहराता है, थोड़ा लहर पेप्सी है. तो वो हाँ हल्का सा है, बट वो फाइंड कर रहा है, वो उसकी फाइंडिंग है. उसको पता नहीं कि ये क्या होता है और ये क्या होता है. अच्छा, हाँ. उसको पता नहीं है. अच्छा. वो फाइंड कर रहा है. ही इज कंफ्यूज्ड एक्चुअली. हाँ जी. थैंक यू. हेलो जी. हेलो जी. हेलो जी. आपसे स्टार्ट करेंगे सर. जी सर. हमारी हमेशा लेडीज मस्ट करते हैं आज. अंदर बहुत सारे ऐसे बुगाड़ हैं. एग्जैक्टली. आई गिव हिम अ चांस. आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बता रहे थे कि इनका पति इनसे कहता है, तो क्या कहता है सर? इनका पति इनसे कहता है क्या कहता है? बस गुलाब जामुन गरम आना तुम ठंडी आना. आपके पति से मिलना पड़ेगा. हाँ. तो पारतोष जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार. बहुत अपने आसपास के नहीं आस पड़ोस के जो लौंडे होते हैं है ना, पता नहीं होता है. वो वैसा लगता है सेक्सुअलिटी है ना, पता नहीं होती कि क्या होता है. एक्सप्लोर करता है आसपास के लोग हैं उसके, दुनिया आसपास की दुनिया है, उनसे इंटरेक्ट करता है. तो चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल जो है उसका, वो थोड़ा सा लहराता है, थोड़ा लहर पेप्सी है. तो वो हाँ हल्का सा है, बट वो फाइंड कर रहा है, वो उसकी फाइंडिंग है. उसको पता नहीं कि ये क्या होता है और ये क्या होता है. अच्छा, उसको पता नहीं है. अच्छा. वो फाइंड कर रहा है. ही इज कंफ्यूज्ड एक्चुअली. वो कंफ्यूज है. तो कैसे लखिया जो कैरेक्टर है, एंजेलिना जो मेन कैरेक्टर है जो नायरा प्ले कर रही हैं, और बाकी सारे कैरेक्टर है, कैसे वो एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, और कैसे पारितोष को अपना स्टैंड लेना आता है, फिर वो समझता है कि अच्छा हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, फिर वो अपने दिस को कॉल सेंटर करना सिखाती, बताती है कि बात कैसे करनी है, आएँ कैसे भरनी है, वो सारी बातें करनी है, वो सारी कैसे बनना है बेसिकली. तो पारितोष को पूरा समझाया था. पारितोष को ये लगता है यार हाँ पैसे तो एकदम सही बनेंगे यार, और एकदम चमकीला दिखूंगा भी मैं, एकदम अच्छा सा दिखूंगा भी मैं. हाँ वो एकदम अच्छा सा दिखूंगा मैं. तो बस ये फाइंडिंग है पारितोष की. हेलो जी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कैसे सारे के सारे कैरेक्टर अपनी इंडिविजुअलिटी और अपना जो इंडिपेंडेंट है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं. लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करना हो, तुम तो प्यार मोहब्बत से जरा बातें कर लो. हेलो हाय करूँ. आपका हेलो बहुत मैटर करता है. वो तो हेलो बहुत मैटर करता है. हेलो आप जो पहला थोड़ा रोमांटिक है, थोड़ा सफिस्टिकेटेड है. हेलो ऐसे तो मैडम लड़के सारे पीछे कोई गुंजाइश नहीं उसमें था. नहीं क्यों, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है. बट जो आप पहले देखेंगे लखिया जो है वो बहुत सिंपल सी लड़की है. सरोज भाभी के घर पर काम करती है. तो उस लॉन्ड्री गर्ल है बेसिकली. वो लॉन्ड्री करती है उनके यहाँ पे. बट उसको कोई शर्म नहीं है उस चीज़ की. शी इज़ हैप्पी. बट एक चीज़ से हैप्पी नहीं है. बताओ किससे? पैसे. सबका देखो, सबका हर बात पे जाके ना एक कॉमन चीज़ की वजह से हम सब लोग अट्रैक्ट होते हैं. एक सिमिलैरिटी होती है. तो हमारा जो गैंग है उसमें सिमिलैरिटी ये है कि हम लोगों को सबको ही पैसा चाहिए, पैसा कमाना है. पैसा कमाना और कैसे पैसे कमाने के तरीके देख सकते हैं हम लोग. सो उस चीज़ को लेके हम लोग PSO बनते हैं. तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है लखिया से PSO बनने का, कैसे हम लोग सीखते हैं सारी बातें, सांसें कैसी लेनी है, योगा प्रैक्टिस करते हैं, जर्नी है वो काफ़ी अच्छी है. वो आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा. तो कैसे इम्प्रेस करती हैं आप लड़कों को पैसे निकालने के लिए, बता सकते हैं आप? सो उसका एक ट्रिक ये है कि हम लोगों को जो एंजेलिना दीदी सिखाती है कि जितनी लंबी बातें होंगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे. तो ठीक है, तो हम लोगों को बस बातें करनी रहती है, नई से नई बातें कि कैसे वो ज़्यादा देर तक टिके रहे और हमारे पास पैसे आए.
सो अगर आपको इनसे पैसे निकालना है लाइक नाउ अभी, सो कैसे निकलवाएंगे आप? इतना भी नहीं सीखा है मैंने अभी. नहीं, इन जनरल ऐसे ही हमें बात हो रही है, अगर आप पैसे निकालने में चलवाना है तो निकालेंगे आप, कि ऐसे आप से इतना वो मंत्र मुग्ध हो जाए कि अपना वॉलेट निकाल के भाई तू सब ले दे जो है सब ले. ये बहुत टफ क्वेश्चन है. कानू कुछ बोल दे, सुन ले जो सिर्फ इन्हें सुनाई दे, ऑडियंस को ना सुनाई दे या. सो हेलो जी देवी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? अरे मेरे फ़ोन का बैलेंस खत्म हो रहा है, प्लीज़ 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 तुम्हें ना फ़ोन में पैसे डालने पड़ेंगे. रुको मैं रिचार्ज कराता हूँ. सो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों का ये. बहुत इंटरेस्टिंग, जो पूरा आपको एक बॉन्ड नज़र आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट जो इसके अंदर की भी जो लड़की है वो कैसे बाहर निकलती है, वो कैसे बाहर निकलती है, और हम लोग वो जो कॉन्फिडेंट जो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं जो मैं हूँ exactly. ऐसा ही हूँ exactly. जैसा भी हूँ, तो वो कॉन्फिडेंट है, वो सारे कैरेक्टर की अपनी अपनी फाइंडिंग है इस हेलो जी के थ्रू. और लखिया भी उसकी कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं उसकी लाइफ में, उसके साथ वो फाइट कर रही है, और साथ में उसको PSO भी बनना है कि जैसे भी पैसे आए आए, बिकॉज उसको बहुत ज़रूरत रहती है पैसों की, और उसके हस्बैंड से उसकी बनती नहीं है. तो बहुत सारी लड़कियां उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करेंगी, बट वो आपको देखने के बाद पता चलेगा. आपके आपका जो कैरेक्टर है लाइक वो हमारे सोसाइटी में देखते हैं बहुत सारे, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. आई डोंट नो इस सीरीज में कैसे दिखाया गया है, एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, तो मनवाते कैसे हैं आप अपने आप को, भाई मैं ऐसा ही हूँ, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान. आप बताइए कैसे आप सारी दुनिया से कैसे एक्सेप्ट करवाते हैं. जो मतलब जो भी मुझे बात करनी है, जिसको सामने से मुझसे बात करनी है, इस पारितोष को तुमसे बात करनी है, वो खुश है. तुमको गलत बात बोलोगे वो वहाँ से हट जाएगा. उसको बताया कि मैं कैसा हूँ, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, वो मुझे समझते हैं जानते हैं, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है. जैसे इसमें कैरेक्टर है हमारी हेलो जी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसका नाम है यश. जो एक्टर है वो धीरेंद्र जो प्ले कर रहा है यश, तो वो जो कैरेक्टर है वो एक तरीके से उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो यश है वो एक सोसाइटी है, और यश का जो सीन है मेरे साथ ये है कि वो मुझे दुत्कारता है, पसंद नहीं है, मजाक कर दिया, क्या हूँ क्यों छल छबीले कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है, ऐसा कर दिया, मज़े ले रहा है वो, तो उसका वो पूरा एकदम वो सोसाइटी वाला है. लेकिन जो पारितोष है उस चीज़ को अपफ्रंट आके खड़े होके सामने से बात करता है, वो भी सामने से गाली दे देगा, गाली दे के चला जाएगा, चला जाएगा ऐसे. तो वो कॉन्फिडेंट धीरे धीरे वो पारितोष जो है ना वो गेन करता है इन सब के पूरे जो हेलो जिया हैं उनके यू नो उनका एक बैकअप के साथ, कि उसको पता है कि मेरे अपने लोग हैं, सो आई डोंट गिव अ फक कि ऐसे मतलब कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड एक्चुअली वी सपोर्ट हिम, कि हमें पता है कि एक्चुअल में ये क्या है, एंड हम लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोगों को यही मैटर करता है कि हम लोगों की जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, हम लोग जितने अच्छे से खुद को प्रिपेयर करेंगे उतना ही अच्छे हम लोग PSO बनेंगे. सो बेसिकली सबकी लाइफ में एक अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, इसकी लाइफ में अलग, मेरी लाइफ में अलग प्रॉब्लम रहती है, जो सोनल है उसकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम रहती है, सरोज की लाइफ में अलग प्रॉब्लम है. सो हम सबको एंजेलिना दीदी मिलती है, सो वो हम लोगों की गुरु रहती है काइंड ऑफ, कि जो भी हम लोगों को सीखना है हम उससे सीखते हैं, कि दीदी हम लोगों को करना ही है, मतलब करना है. सो ये सब हम लोगों का जो डिटर्मिनेशन देखे वो भी रेडी होती है कि चलो लेट्स डू एंड लेट्स बिकम PSO, लेट्स मेक मनी काइंड ऑफ. व्यस्त हैं एंड मस्त हैं, मस्त नहीं बहुत मस्त हैं. तो थोड़ा बहुत बताइए कि कैसे लाइक आप लोग कैसे सारे लोगों को अपने अपने स्पेशली लड़कियां, मतलब गुरु से भी बात किया, एंजेलिना जी से भी बात किया, आप बताइए कैसे आप लोग अपने अपने जाल में
ऐसे लड़कों को मस्त कर लेते हैं लाइक फोन कॉल पे रात रात भर. देखो लड़कियों की तो खूबियां यही होती है कि वो अलग अलग तरीके से बात कर सकती है, बस वही दिखाना होता है. जैसे अभी रियल लाइफ में देखे तो उसमें जो लखिया का कैरेक्टर है एक्चुअल में वो एक लॉन्ड्री गर्ल है, काम करती है उनके यहाँ पे. अब उसको पीएसओ बनना कितना डिफिकल्ट है दैट शी नोज, बट वो एंजेलिना दीदी से सीखती हैं कि बात किस टाइप से करना है, कैसे हम लड़कों से बात कर सकते हैं. सो वो हम लोग सीखते हैं और अलग अलग तरीके से बात करते हैं. सिर्फ यही बातें ही हो कि सिर्फ यही नहीं वल्गर बातें हो, कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं. जैसे पारितोष, बिल्कुल करते हैं. पारितोष जो बात कर रहा है ना वो अपनी फीलिंग किसी से शेयर करता है और सामने वाला भी अपनी फीलिंग्स बताता है. तो इट्स ऑल अबाउट यू नो गिव एंड टेक कि आप कैसे कैसे सामने वाले से बात कर रहे हैं, उसको क्या समझ में आ रहा है, सामने वाला कैसे क्या बोल रहा है और आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो. अब देखो एंड ऑफ द डे इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्सुअल टॉक. जो इंसान अकेला होता है उसे भी चाहिए रहता है कि कोई बात करने के लिए हो. सो दे ऑल्सो कॉल कि चलो एटलीस्ट आई विल बी हैविंग समवन जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ. वो भी एक नजरिया है, उसको पता भी नहीं चलेगा और मेरी अपनी बात भी कह जाएगी. यस, जैसे किसी की लाइफ में रहता है कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाते हैं इजीली, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा तरीका है कि यार कोई स्ट्रेंजर से ही शेयर कर दो, सो एटलीस्ट विल बी फीलिंग लाइट. तो ये भी एक वो भी छोटा सा इसमें भी वो कहानी में ऐसा एक आपको एक पोर्शन मिलेगा आपको वो भी. सो मसाला, मस्ती, इमोशंस, सैडनेस, कॉमेडी, यू विल गेट एवरीथिंग. तुम काफी दूर दूर रहते थे तो हमने फोन करे ऐसे ही. स्कूल कॉलेज में तो क्या ही समझ होती है, बट हाँ अगेन हाँ तो फोन पर हम लोग ने किया, मस्ती करी. तो मस्ती सब लोग करते हैं यार, मस्ती सब लोग करते हैं, वो मेरा सवाल नहीं. हाँ. क्या कुछ आप लोगों ने शेयर किया ये मेरा सवाल. क्या तुमने फोन सेक्स किया है ये पूछ रहे हैं वो. ये मेरा सवाल. हाँ किया है ना, बोल नहीं पा रहे हैं यार. यही तो प्रॉब्लम है कि लोग ओपनली बात नहीं कर पाते सेक्स के बारे में. क्यों सेक्स एजुकेशन होना चाहिए. फोन सेक्स मतलब फॉरेन में होता है. हाँ होता ही है. पूरा पूरा एक शो बना हुआ है सेक्स एजुकेशन, पूरा एक शो है. तो ये तो मतलब फोन सेक्स वाली बात ऐसे कोई बहुत बुरी बात नहीं, क्योंकि लोगों के माइंड में क्या है ना पहला थॉट वही आता है कि भैया अरे फोन सेक्स अच्छा लड़की बाजी चल रही है. तो वो सिर्फ वही नहीं होता है, सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा भी उसके कहानियों के नो अलग अलग छोर हैं, नदी के अलग अलग छोर हैं, जिसको यू नो राइटर ने जो हमारे राइटर है विशाल सर उन्हें इतनी अच्छी कहानी लिखी है कि सारे कैरेक्टर को एकदम आसपास यू नो बुना है. उसके बाद जो हमारे डायरेक्टर हैं शाहनवाज खान, उन्होंने तो मतलब कमेंडेबल. ठीक है सर, फीलिंग तो बताइए. फीलिंग तो मेरी फीलिंग तो मैं मुड़ जाता हूं यार. मुद्दे पे आइए, ये मतलब हेलो जी में या फिर रियल लाइफ की बात. अभी तक रियल लाइफ की हम. अच्छा रियल लाइफ में नहीं, अब रियल लाइफ की बातें. अब यहाँ पर क्या करना. अब देखिए अब मैडम का टर्न आएगा, देखना कैसे ओपन क्या ओपन ओपन वाली बात नहीं है. पहले आपका टर्न है तो आप पहले करिए. स्कूल टाइम था यार. नहीं स्कूल टाइम नहीं करना. शेयर थोड़ा सा पर्सनल है, उनको बुरा लगेगा क्योंकि अगर वो हमने तो पूछा ही नहीं. नहीं नहीं हमारी बात हो रही है ना. वो बस इतना पूछ रहे किया कि नहीं किया ये बस. हाँ किया बता दो बस उन्हें. और एक बार नहीं तीन चार बार किया. मैडम का टर्न ये है कि मैडम ने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया. बिल्कुल रोमांटिक बातें सब लोग करते हैं, आम जनता सब कोई करती है, स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ सब में होती ही है रोमांटिक बातें. बट अगर आप स्पेसिफिकली फोन सेक्स की बात करें तो वो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो कि मैंने शो में एक्सपीरियंस किया है. अगर आप मुझे रील लाइफ में देखेंगे लखिया को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आई एक्सपीरियंस्ड रियल लाइफ में नहीं तो एटलीस्ट रील लाइफ में. सो इट वाज फन डूइंग एक्चुअली. क्या बात है, आज ही स्ट्रीमिंग होने वाला है फर्स्ट ऑफ. यस 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 एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर योर रिस्पांस. से अनुरोध है कि थोड़ा समय निकाल के बिल्कुल देखिए कहानी को. अगर आप सोच रहे हैं कि उसमें बोल्डनेस एंड सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है. आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा. इट्स अ कॉमेडी ड्रामा
सब कुछ मिलेगा आपको एंड यू विल लव इट. थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है. और कहानी भी ऐसी है ना कि जो आसपास में कहानी के किरदार हैं वो किरदार ऐसे हैं कि आप अगर देखोगे ना उनको पर्दे पे तो आप कहते हो मोहल्ले में तो ये भी तो है, ऐसी तो है ये. यस, और मेरे कैरेक्टर से तो बहुत लोग मतलब रिलेट ऑब्वियसली करने वाले हैं. बहुत सिंपल सी लड़की है, बहुत चौपी सी बबली सी गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ, तो अच्छी लगेगी आपको लखिया भी. चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से. जी, रोमांटिक सीजन चालू हो चुका है, फर्स्ट ऑफ फेब है, फिफ्टीन ऑफ फेब, लाइक वैलेंटाइन डे, सो ऐसी कोई स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है? अभी मेरा तो कोई प्लान ऐसा है नहीं यार, अभी तक तो नहीं है कि बहुत अभी तो हैं 13-14 दिन हैं. बाकी अभी तक जो मेरे दिमाग में चल पा रहा है वो ये है कि मैं अपने घर वालों के साथ समय बिताना चाहता हूँ. ये वैलेंटाइन 2020 तो बहुत कुछ सिखा कर गया, बहुत कुछ हुआ इधर उधर, इधर हापा दैया मची, लेकिन 2021 में यही है कि ये जो वैलेंटाइन डे अपने घर वालों के साथ मनाएंगे. और अभी तक तो यही फिलहाल यार. आप किसके साथ? मुझे ये समझ नहीं आता वैलेंटाइन्स डे क्यों, मतलब सबके लिए होता है ना, सिर्फ कपल्स के लिए क्यों है? फ्रेंड्स भी मना सकते हैं, फैमिली के साथ भी मना सकते हैं. वैलेंटाइन्स डे मतलब कि ये कपल के लिए नहीं होना चाहिए बस. सो मेरे लिए तो ये कि हर दिन वैलेंटाइंस डे अगर आप चाहो तो, नहीं तो ठीक है. सो आई डोंट हैव स्पेसिफिकली एनी प्लान्स फॉर वैलेंटाइंस डे. प्लीज आप लोग जरूर से जरूर देखिए हेलो जी जो कि आज स्ट्रीम हो रहा है. और मेरा आपसे वादा है कि जब आप ये कहानी देखेंगे और आप उस कहानी का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है जब आप ये कहानी देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे. और इस कहानी के जो किरदार हैं उन किरदारों को आप जब देखेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है. तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हेलो जी ज़रूर देखिए, अपना प्यार बनाए रखिए. बाकी हर हर महादेव. थैंक यू.